हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नाजमीन। आज हम बना रहे बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। तो चलिए इस बटर चिकन की बहुत ही आसान सी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून है मेरे पास चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने रेड फूड कलर लिया है, 1 टीस्पून मेरे पास पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और यहाँ पे बीच में चाट मसाला और नमक है मेरे पास 1-1 टीस्पून। ये सारे मसाले मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी, और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी, और फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन को 1.5 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए निकाला है। यहाँ पे एक पैन में मैंने 5-6 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर ही मैंने सारे पीसेस एक एक करके रख दिए हैं। जितने एडजस्ट हो पाए आप उतने पीस एक बार में इसके अंदर ऐड कर लें। जब ये एक तरफ से पक जाए तो आप इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ भी पका लें। 4-5 मिनट लगता है एक तरफ कुक होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा ढका भी है ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक कोयले का पीस जो है उसको गर्म करने रख दिया है अभी से, क्योंकि हमें चिकन में स्मोकी फ्लेवर देना है, तो इसके लिए मैंने एक कोयले का पीस गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे देखिए चिकन जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरीके से बाकी जो हमारे बचे हुए चिकन थे मैंने उसे भी फ्राई कर लिया है, और सारे चिकन को मैं एक ही पैन के अंदर रख देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें स्मोक देना है। तो पैन के अंदर मैंने कोयले का पीस रख के उसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और उसे ढक कर रख दिया था। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक को 2-3 टुकड़ों में कट कर लिया है, और मैंने लिए 8-10 लहसुन की कली, और 2 मेरे पास यहाँ पे प्याज है, 2 टमाटर है, तो ये हम अभी ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। और यहाँ पे मसाला बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून हल्दी लिया है, और 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और 3 टीस्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अभी हम इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, और चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून ऑयल के अंदर तेज पत्ता ऐड किया है, 2 लौंग ऐड किए, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है इसके अंदर। और जैसे ही ये सारी चीजें हल्की हल्की पक जाए, इसके अंदर से साइड साइड में बॉल्स आने लगे, तो फिर मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए जो भी हमने ली थी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हम हिलाते हिलाते ही पकाएंगे। तो आपको इसे मिक्स करते रहना, वरना क्या होगा कि एक तरफ से प्याज पकेगी एक तरफ से नहीं। और जो हमारे पास अदरक लहसुन थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और देखिए प्याज जो हल्की हल्की पिंक हो गई है, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसके अंदर मैंने जो हमारे पास टमाटर है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। नमक आप थोड़ा ध्यान से यूज करें क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी यूज किया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी शुगर यानी कि शक्कर, उससे क्या होगा कि बटर चिकन को बहुत ही अच्छा सा स्वीट भी थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा। और फिर जो हमने तीनों मसाले निकाले थे,
हल्दी मिर्च और धनिया वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून काजू ऐड किया है। काजू से हमारी ग्रेवी अच्छी थिक होगी, अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी ग्रेवी में, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारे मसाले वो जले ना। अब बस हम इसे कवर करके पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए जो हमारा टमाटर वो अच्छे से गल चुका है। तो बस अभी आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसके अंदर से तेज पत्ते अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के इसका एक पेस्ट बना ले। यहाँ पे मैंने देखिए 4 से 5 टेबलस्पून बटर लिया है और जो हमने अभी ग्रेवी का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जो चिकन का मैरिनेशन थोड़ा सा मसाला बचा था मेरे पास वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। अगर आप चाहें तो इसे आप तेल में भी भून सकते हैं, पर बटर चिकन है तो इसे बटर में भूनना ज़रूरी है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने दही ऐड की है और यहाँ पे देखिए हमारा जो चिकन है उसमें से अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर अंदर तक पहुँच चुका है। अब हम इसे इस तरीके से बारीक बारीक श्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अक्खा भी डाल सकते हैं, पर बटर चिकन में क्रश होके ही डालते हैं चिकन। यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो भी पक रही है, इसके अंदर से अच्छा सा ऑयल रिलीज हो गया है। मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है और जो चिकन क्यूब्स होते हैं मैगी के वो मैंने इसके अंदर एक ऐड किया है। चिकन क्यूब से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। और जब भी हमने सारे चिकन श्रेड किए हैं वो चिकन भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रेवी के अंदर और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी दूध की मलाई और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम आपस में और थोड़ी देर तक भूनेंगे जब तक कि कलर इस तरीके का ना हो जाए बिल्कुल। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून जितना। और बस इसके अंदर एक बॉईल आ जाए, देखिए बिल्कुल इस तरीके का, तो हम एक बटर का पीस मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर मेल्ट किया है और इसके ऊपर से तड़का लगा दिया है, इसके ऊपर डाल दिया मेल्टेड बटर और खूब सारा धनिया का पत्ता। बन के तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। तो आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा बटर चिकन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें और कमेंट करके बिल्कुल मत बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है।